हम उसको हम क्यों ऐसी कर रहे हैं इस तरह अपने मुल्क के साथ जरूर। अच्छा, गाड़ियों की इम्पोर्ट पर भी ड्यूटी बढ़ रही है। गाड़ियों की जो इम्पोर्टेड गाड़ी बाहर से पूरी बनी बनाई आती है, जो लोकल कार है 850 सीसी तक वही है, और जो बाहर से बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, जो लग्जरी गाड़ियां जो 1800 सीसी और ये इस तरह की गाड़ियां हैं, उस पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। क्योंकि कितने परसेंट एक्साइज ड्यूटी 5% ज्यादा नहीं। देखिए उसकी वजह है, उसकी बुनियादी वजह है, एक तो हमारा $1 अरब के ऊपर उसका इम्पोर्ट बिल हो गया जो बाहर से चीजें आ रही हैं। बाहर से क्यों चीजें आ रही हैं, यहाँ पे मकामी तौर पे तैयार करें, हर वक्त उसका सामान तो मकामी तौर पर क्वालिटी भी तो अच्छी देखे ना। यहाँ पर आप क्या, मैं आप कंपनीज के नाम लूँ, लोग इम्पोर्टेड गाड़ियों की तरफ क्या कहाँ जाते हैं। आप यहाँ की 3 डब्बा गाड़ियाँ देख लें और बाहर की इम्पोर्टेड गाड़ियों में देख लें, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब यही कोशिश कर रहे हैं ना कि इन पे हमने क्वालिटी, जो नई ऑटो पॉलिसी आई है उसमें साफ बता दिया गया कि अगर आपने क्वालिटी को नहीं सही किया तो आपके साथ ये सजाएं, आपकी पेनल्टीज है। तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं। देखिए आप, जो सिस्टम है ना वो सिंपल है, एक क्लियर है, ये टेक्सटाइल वाले भी सुन रहे। अच्छा, पहले मुझे जरा एक और चीज समझा दें। आज बड़ी इस चीज पर एक बहस हो रही थी, जो गाड़ियां बिल्कुल असेंबल होकर बाहर से आ रही हैं उन पर टैक्स उन पर लगा है, या जो कुछ जो मतलब के कुछ प्लांट्स यहाँ पर भी लगे हैं ना गाड़ियों के, पार्ट्स बाहर से आएंगे वो असेंबल यहाँ पे होंगी उस पर भी टैक्स लगा है? देखें दो हैं, एक तो जो बिल्कुल तैयार गाड़ी बाहर से आ रही है उस पर तो हमने टैक्स 15% से 50% कर दिया है, ये मिनी बजट का पार्ट नहीं है, ये तो अलग से हमने कर दिया, ठीक है। एक ये है कि जो बाहर से पार्ट्स आ रहे हैं बड़ी गाड़ियों के, यानी 1800 सीसी जो किया की आई है, हुंडई की आई है, उस पर सिर्फ एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 5% बढ़ाई है सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया गया। और उसको भी इस ऑब्जेक्टिव से कि एक तो हमारा दरामदी बिल कम हो, दूसरा ये जो कंपनी है मकामी तौर पर चीजें तैयार करें ज्यादा से ज्यादा। अभी तो जो 80% जो है, जो अभी नई कंपनी आई है 85% 90% उसका बाहर से सामान आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ जोड़ है। तो हमें जो है ये एक बहुत बड़ा जो है हमारा गाड़ियों के इम्पोर्ट पे भी जरे मुबादला खर्च हो रहा है। तो कब तक आखिर हम जो मंगाएंगे? आप देखें, खुशी की बात ये कि जो बाइक्स हैं आपकी मोटर बाइक्स, आज आपके मुल्क में 80-85% वो तैयार होने लगी। कल होंडा का एक नंबर आया, 13.5 लाख उसने एक साल में सिर्फ बाइक बेची है, और वो मकान होंडा की गाड़ियां जो यहाँ पर तैयार हो रही हैं, काइंडली उसकी क्वालिटी भी देख लें, और उसी प्राइस में बाहर जो गाड़ी मिलती है फिर उसकी भी क्वालिटी देख लें। वो तो गाड़ी, जब बाहर की गाड़ी होंडा की यहाँ पर आती है वो तो महंगी इसलिए हो जाती है कि ड्यूटीज इतनी ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी देखें, हेल ऑफ डिफरेंस क्वालिटी में। बिल्कुल ऐसा ही है, बाहर की और यहाँ की गाड़ी की। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो नई ऑटो पॉलिसी 10 दिन पहले आई है उसमें इस चीज पर पाबंदी की गई है, पाबंद किया गया है कि आपको क्वालिटी इंश्योर करनी है वरना आपके लिए अलग अलग जुर्माने हैं। इस दफा की ऑटो पॉलिसी और फिर दूसरी इस ऑटो पॉलिसी में, पहले ऑटो पॉलिसी थी 2016 वाली, उसमें इन्वाइट किया था कि बाहर से कार मैन्युफैक्चरर्स आए, अब की दफा इसमें स्पेयर पार्ट्स वालों को जो है वो किया गया, तरजीह दी गई कि जो यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे उनको हम कम टैक्स लगाएंगे, जो बाहर से आएगा उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। तो ये तमाम चीजें जो है इस पर की गई है। तो एक बहुत, मैं आपको ये बात कह रहा था उस वक्त आपने मेरी बात काट ली कि देखें, एक सिंपल इस गवर्नमेंट का एक पॉलिसी स्टांस है कि रेंट सीकिंग, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे और कोई, चाहे लोकल ऑटो असेंबलर्स हो, अब हमने रेंट सीकिंग और जबरदस्ती की प्रोटेक्शन एट द कॉस्ट ऑफ आवाम नहीं देनी। हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इनको एफिशिएंट करना है, कंपटीशन पे लाना है। अगर नहीं हो सकता तो वो इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जैसे माजी में। सोलर पैनल पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं।